हरियाणा में सरकार बनाने का सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है और सूबे में बीजेपी और जेजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे। दुष्यंत चौटाला के साथ बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और उप मुख्यमंत्री जेजेपी का। वहीं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि प्रदेश की जनादेश का आदर करते हुए दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है। बैठक में यह तय हुआ है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा और उप मुख्यमंत्री जेजेपी का। इसके अलावा कई निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है। वहीं विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मंत्रियों के नाम पर फैसला हो जाएगा, जिसके बाद जेजेपी के समर्थन से हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की आसानी से सरकार बन जाएगी। वहीं बीजेपी को 10 विधायकों वाले जेजेपी का समर्थन मिला है। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन देने की बात कही। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में 5 साल तक स्थायी और मजबूत सरकार चलाने के लिए हम बीजेपी को समर्थन देने को तैयार हो गए। हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए, वो जनादेश का स्वीकार करते हुए दोनों पार्टियों के नेता ने ये तय किया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, श्री दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, दोनों मिलकर सरकार बनाए। ये सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे और उप मुख्यमंत्री जेजेपी पक्ष के होंगे। एक स्थायी सरकार देने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है कि आपस में मिलकर के गठबंधन करके सरकार को चलाया जाए, ताकि स्थायित्व सरकार को मिले। और स्वाभाविक रूप से जैसा हरियाणा का इतिहास है, हम लोग पहले भी एक दूसरे का समर्थन करते आए हैं, गठबंधन भी हम लोगों ने किए हैं, समर्थन भी किए हैं, सरकार चलाई है। तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार को चलाने के लिए हम लोगों ने इस गठबंधन को आगे रखा है कि प्रदेश को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का साथ आना जरूरी था।